बनने वाली और मैं बनाने वाली हूँ ओरियो आइसक्रीम कैंडी। तो इसे ना आप आसानी से बना सकते, बहुत ही यम्मी लगेगी आपको ये आइसक्रीम, तो ज़रूर से ट्राई करना। तो इसके इंग्रेडिएंट्स भी सबके घर में मिलेंगे ही, बस एक आइसक्रीम स्टिक है। आप प्रीवियस आइसक्रीम खाई होगी आपने आइसक्रीम, तो उसमें से जो स्टिक बचती हो आपने शायद बचाई भी हो और ना भी बचाई हो। अगर ना बचाई हो तो आपको स्टेशनरी में से फुल पैक मिल जाएगा। तो मैं एक बार ही आपको इंग्रेडिएंट्स और कैसे बनाना है वो आधा समझा देती हूँ। तो कैसे बनाना है इसे, तो सिंपली इसे वाली जो आइस है वहाँ तक क्रश कर दीजिए इस दस्ते से, ठीक है। क्रश करने के बाद आपको कैंची से लेकर आधा काट देना है, इतना खा लेना है दोनों में। मैंने एक चॉकलेट लिया है और वनीला। तो चलो करते हैं, पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हाँ, तो ये है इंग्रेडिएंट्स। पॉप्सिकल के जो स्टिक्स बचते हैं वो 10 और ओरियो आइसक्रीम, सारी ओरियो बिस्किट्स। और आपको ग्लास चाहिए, जितने भी आपको बनाने हो उतने आप स्टिक्स और ग्लास ले सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हमें ना दस्ता लेके इसे कूट देना है। ध्यान रखना कि आपका जो पैकेट है वो टूट ना जाए, फट ना जाए, ठीक है। यहाँ तक हमें कर देना है। तो चलो करने के बाद मिलती हूँ आपको। मैंने इसकी क्रश कट कर दी है, आपको अभी कट कर देना है सीजर से आधा आधा पैकेट। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे देखो निकाल लिया और ये जो है रेडी है बनने के लिए। तो चलो अभी हमें दूध चाहिए रहेगा, अभी मैं सेकंड वाले को फटाफट करके आपको मिलती हूँ। अभी दोनों को अच्छे से आप क्रश कर लीजिए। अभी इन दोनों आइसक्रीम बनाने के लिए हमें एक ग्लास में इन दोनों को रख देना है। तो चलो मिलती हूँ आपको रखने का। ये मैंने इंसर्ट कर दिया है और अभी इसमें मैं दूध डाल दूँगी। तो चलो 2 ऑफ ओरियो आइसक्रीम, आपको दूध इतना डाल देना है और फिर इसमें इंसर्ट करनी है आइसक्रीम स्टिक। तो आपका ना जो तो बिस्किट मेल्ट जैसा हो गया होगा, मतलब सॉफ्ट हो गया होगा, तभी आपको इसे वेट नहीं करने देना है, बस डाल देनी है। हाँ, ये हो गई। तो अभी इसे फ्रिज में रख देंगे और बाद में देखेगा कैसी बनी। तो आपको 3 में मिलेंगे कल। 3 ऐसी बनी है आइसक्रीम, आप भी बना सकते हो। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर आपने ट्राई किया तो आपको कैसी लगी।